जब माइंड रिलैक्स होता है तो लाइफ में सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगता है। समझ में आता है कि जीवन में सब कुछ एक जर्नी है, एक सफ़र है। ऐसे में कार्तिक और नायरा का रिश्ता भी देखो ना, कहां से कहां पहुंच गया एक साथ सफ़र करते करते। देखे कार्तिक नायरा की महाभारत रिश्तों का सॉलिड ड्रामा, कैरव की कस्टडी को लेकर एक बार फिर कार्तिक और नायरा आमने सामने खड़े हैं। नायरा को घर में अपना बैग पैक करता देख कार्तिक का गुस्सा आज जमकर फूट पड़ा, क्योंकि कार्तिक ये सोच रहे हैं कि नायरा एक बार फिर भागने वाली हैं कैरव को अपने साथ लेकर। लेकिन इस बार तुम्हें अकेले जाना होगा, मेरा बच्चा कहीं नहीं जा रहा। बच्चा मेरा है। बच्चा हम दोनों का है और वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा मेरी आंखों के सामने। कार्तिक जब यहाँ आते हैं तब नायरा को बैग पैक करते हुए देखते हैं, और तब बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है उनका, और वो कैरव देख लेता है और वो चिल्लाता है, वो भागता है एंड ही फॉल्स ऑफ द स्टेयर्स इन देयर रूम। लेकिन कार्तिक बाबू ने भी साफ साफ कह दिया कि नायरा को जहाँ भी जाना है वो जाए, लेकिन कैरव उनके साथ नहीं जाएगा। कार्तिक ये बात कोर्ट से आए फैसले के बाद नायरा से कह रहे हैं, लेकिन नायरा भी अड़ी है, ऐसे कैसे अपने जिगर के टुकड़े कैरव को अपने आप से अलग कर सकती हैं। और रही बात कार्तिक की, तो वेदिका के होते हुए साथ रहना भी पॉसिबल नहीं, तो रिश्तों का ये ड्रामा तीखी नोक झोंक में तब्दील हो गया। अपने मम्मी पापा को इस कदर झगड़ा करता देख कैरव की आंख खुल गई, और कैरव ये झगड़ा देख पूरी तरह से घबरा गया, और इसी बीच भागते हुए कैरव का पैर सीढ़ियों पर से फिसल गया और हो गया एक हादसा। इस फिलहाल वो बस अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर नायरा ने एक बार अबॉर्शन का सोचा था, मतलब अब भी वो कुछ गलत ना कर ले उसके साथ या उसे लेकर भाग ना जाए वापस अब हमसे दूर, तो वो डर जो है उनका वो इस ड्रीम सीक्वेंस के हिसाब से हम सबके सामने आ रहा है। सो नाउ वी नो दैट इट्स अ ड्रीम दैट। भाई घबराइए नहीं, ये महज कार्तिक का ख्वाब है। असल ड्रामा तो कोर्ट रूम के बाहर हुआ, जब नायरा कार्तिक से कह रही है कि बहुत हुआ कोर्ट का ये ड्रामा, आखिर कानून कौन होता है उनके बच्चे की कस्टडी का फैसला लेने वाला। देखिए एक डर तो हमेशा से रहा है कि कैरव जो है वो जैसे ही कार्तिक को मिले वो वैसे ही बीमार हो गए, उनके हार्ट में होल पता चला, और पता चला कि बड़ी मुश्किलों से नायरा ने उसे जन्म दिया, पाला, 17 घंटे की लेबर में थी वो, और तो सारी चीजें जब पता चली तो ही नोज हाउ वीक द चाइल्ड इज राइट नाउ। लेकिन कार्तिक आज खुद से ये फैसला कर चुके हैं कि अब तक जो भी उन्होंने नायरा के साथ किया वो गलत किया, और इसी बात का पछतावा आज कार्तिक अपने ऊपर गुस्सा उतार कर दिखा रहे हैं। तो he's still going through that phase के अगर हमारे झगड़े की वजह से या हमारे लड़ाई की वजह से अगर कैरव को कुछ असर होता है तो वो that is still in his subconscious self, he's still yet to think about it के वो जो कोर्ट केस है वो अब तक उसे पता नहीं चला है। पता चलना भी नहीं चाहिए कार्तिक बाबू, समझदारी इसी में है कि एक आदर्श माता पिता की तरह अपने रिश्तों की खटास मिटाकर जितना हो सके कैरव पर अपने प्यार की दौलत लुटाइए। भाई इसीलिए तो ये रिश्ता प्यार का कहलाता है। आज तक ब्यूरो।